डॉक्टर्स की इजाजत के बाद पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस के खिलाफ अपीलों की समाप्त के मौके पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ ने दरख्वास्तों में मौकफ इख्तियार किया कि बैरून मुल्क जेरे इलाज होने के बायस अपीलों की समाअत के मौके पर पेश नहीं हो सकता। इस्तदा है कि तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। जमानत में तौसी के मामले पर साबिक वजीर आजम ने कहा कि कोरोना के बाद लॉकडाउन की वजह से बरतानिया में इलाज मुमकिन नहीं हो सका। जमानत में तौसी के लिए कई दस्तावेजात फराहम की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने तयशुदा मनसूबे के तहत जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद की। दूसरी जानिब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज ने छुट्टियों पर होने के बायस एवनफील्ड रेफरेंस पर समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील अमजद परवेज ने कहा कि 5 सितंबर तक छुट्टियों पर हूं, समाअत इसके बाद रखी जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी अल अजीजिया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस के खिलाफ शरीफ फैमिली और नैब की अपीलों पर मंगल को समाअत करेंगे।